रिलेशन का नेक्स्ट टाइप है सिमेट्रिक रिलेशन। माना एक रिलेशन आर सेट ए में डिफाइन है एंड ए एंड बी सेट ए के कोई दो एलिमेंट्स हैं तब यदि एलिमेंट ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है एंड एलिमेंट बी भी एलिमेंट ए से रिलेटेड है तो वह सिमेट्रिक रिलेशन होता है मतलब यदि ए बी से रिलेटेड है तो सिमेट्रिक होने के लिए बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए इसे हम मैथमेटिकली इस प्रकार डिनोट करते हैं कि यदि इज़ रिलेटेड टू बी, देन शुड रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग टू सेट ए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं लेट सेट इज़ इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री एंड एक रिलेशन हमें सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में गिवन है तो हम यहां से देख सकते हैं कि यदि वन टू से रिलेटेड है तो टू भी वन से रिलेटेड है क्योंकि इस रिलेशन में दोनों ही ऑर्डर पेयर्स वन टू एंड टू वन इंक्लूडेड है तो यह है एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा इसे हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं रिलेशन आर सेट ए से ए में इस प्रकार डिफाइन है कि वन वन से रिलेटेड है टू टू से रिलेटेड है एंड टू वन से भी रिलेटेड है, है, है तो हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि वन टू से रिलेटेड है एंड टू भी वन से रिलेटेड है तो इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन होगा यहां इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यह है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हों जैसा कि अभी हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पढ़ा था वहां हमने देखा था कि सभी एलिमेंट्स स्वयं से भी रिलेटेड होने चाहिए लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां ओनली कंडीशन ये है कि यदि कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है तब वह दूसरा एलिमेंट भी पहले एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल मान लो इस रिलेशन में एक ऑर्डर्ड पेयर 1,3 भी है तब इस रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए यह है जरूरी है कि ऑर्डर्ड पेयर 3,1 भी इसी रिलेशन में होना चाहिए तभी यह एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन समझ में आ गया होगा एंड इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा